बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हंसला मुस्तफ़ा और आज की वीडियो है काफ़ी ख़ास। तो बताइएगा बदर भी, हम कहाँ जा रहे हैं आज? हमें प्रिंसिपल साहब ने इनवाइट किया है, एक प्ले देखने जा रहे हैं। जी, हम सिर्फ सेकंड ईयर वाले जा रहे हैं। जी, तो काफ़ी देखते हैं, आगे मज़ा आएगा। बेस्ट जी, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आपके साथ सफ़र करने में हमेशा मज़ा आता है। या, या। जी, आपके साथ रहेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुदस्सर भाई भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है आज बाहर जा रहे हैं। तो सर भी बताएं, तैयारी कैसी है और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? तैयारी बहुत अच्छी है, बस एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जाके। कहानी का प्ले है वो देखने जाना है। वैसे एक हफ्ते के बाद आपका पेपर भी होने वाला है, उसकी तैयारी कैसी है आपकी? बस वो अभी पढ़ेंगे थोड़ी, आप छोड़ दिए ना, आप पहले इंजॉय करते हैं। ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करते हैं। बदर भाई, ये भी एटीएम से पैसे निकालने लगे हैं। बदर भाई, खैर तो है, आप खर्चा निकाल रहे हैं? हाँ यार, पैसे नहीं थे अकाउंट में, पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा पहले निकलवा लें, फंक्शन पर जाएंगे, हो सकता है काम आ जाते हैं कभी कभी। सही बात है। अच्छा, लंबी कतार लगी हुई है, जल्दी करो। जिस एटीएम पर बदर भाई पहले गए वहाँ पर तो वो वहाँ पर कैश नहीं, कैश जा रही कैश था, तो अब हम दूसरी मिजान बैंक वाली एटीएम के पास जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता आज आपको पैसे नहीं मिलेंगे यार। उम्मीद करते हैं कि इधर से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जी, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम बस के अंदर बैठ चुके हैं यार। अभी हमारा सफ़र ख़त्म हुआ है और हम पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर में प्ले शुरू होने वाला है। उस्मान भी मौजूद है, उस्मान बताइएगा कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया हमें तकरीबन अभी हम कॉलेज से यहाँ पे आए हैं, अभी हम स्टेज वो प्ले देखेंगे। अच्छा, ये तो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, ये टाइम का ज़िया नहीं है? हम पेपर हमारे साथ आ रहे हैं और हफ्ता है, उसके बाद प्री प्रॉफ है, क्या टाइम का ज़िया तो है थोड़ा सा, है ना, बट इंजॉय तो करना पड़ता है। अब 3-4 घंटे में क्या उखाड़ लेंगे। तो इंशाल्लाह जरूर मजा आएगा। चलो हम प्ले, सही बात है, इंशाल्लाह मजा आएगा, बाद में मिलते हैं। अभी हम थिएटर के अंदर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में प्ले शुरू होने वाला है। यहाँ पे जो इंतज़ाम किया गया है वो वाकई काबिल दीद है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी ही देर में प्ले शुरू होने वाला है, तमाम ऑडियंस बैठ चुकी है। अगर थिएटर की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और इस प्ले का नाम है एक बागी शहजादी की कहानी। लाइट साफ हो गई है तो अब पर्दा भी गिरने वाला है और प्ले शुरू होने में बस थोड़ा सा वक्त रह गया।
तो जी स्टोरी अभी चल ही रही है और स्टार्ट हुआ है अभी, लेकिन अब 10 मिनट की उन्होंने ब्रेक ली है। स्टोरी अब पीक पे पहुंच चुकी है, सस्पेंस दिखाया जा रहा है, बहुत ही मज़े की स्टोरी। मैं आपको क्लिप्स दिखा दिए मैंने आपको पहले, क्या ही स्टोरी थी उनकी, क्या ही डायरेक्शन, हर चीज़ कमाल की, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी 10 मिनट की ब्रेक है, इसके बाद दोबारा शो शुरू होगा और मैं आपको दोबारा इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, देख रहे हैं, ये सब ग्रुप फोटो ले रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। बताएगा कैसा था ये भाई? मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था। हम जो मूवी देखते हैं ना जी, या 2x पे लगा के 1.5x पे लगा के, पहली दफ़ा सुकून से बैठ के कोई ड्रामा लेकिन बीच में कुछ बोरिंग भी हो गया था। नहीं नहीं, लेकिन यार चाहिए था। हाँ जरूरी ना होता तो फिर आपके पास आया। बहुत थैंक यू शरूफ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारा प्ले देखने आए एंटिगनी नापा में हो रहा है, और हमें बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी ऑडियंस थी, बहुत ही अच्छे लोग थे, और हमें इनके लिए परफॉर्म करके बहुत मज़ा आया। ज़रूर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं, आज इनका पहला स्टेज शो था, तो मैं इनसे पूछता हूँ ये कैसा फील कर रहे हैं, तो बताइएगा भाई। बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील है, इतना बड़ा प्यार मिल रहा ऑडियंस की तरफ से, पहला शो था, मज़ा भी आ रहा है। नहीं आपने बहुत ही, मतलब आपकी हिम्मत है, आप स्टेज पे खड़े कैसे बोल रहे थे ना, ये हर किसी, हर कोई ऐसे नहीं बोल सकता, आपको दाद देनी चाहिए, बहुत बहुत आगे भी आप इसी तरह कहते रहें। ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इन्होंने प्ले के अंदर कॉमेडी का रोल अदा किया है, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक बोरिंग हो जाता था, फिर ये आ जाते थे और फिर ऐसे ही क्राउड में एक लैपिंग शुरू रहती, तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे तो ये प्ले करते हुए बहुत अच्छा लगा है जी, और मैंने ये प्ले 5 साल पहले भी परफॉर्म किया था। इसमें एक पहरेदार का कैरेक्टर है जी, एक्चुअली इसमें कोई लाइन्स नहीं है सच एज कॉमेडी की, लेकिन उसका कैरेक्टर इस तरह का है जो आपको हंसा देता है, लाफ्टर, तो इस तरह का था, और इन्होंने एंजॉय किया, आप लोगों ने देखा, एंजॉय किया, ये सबसे अच्छी बात। कितना एक्सपीरियंस है आपका? आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 7 इयर्स। आपने पहले मतलब स्टूडेंट थे, फिर आपने ये? फिर मैंने स्टूडेंट था और स्टूडेंट को मिला के मेरे 7 इयर्स 8 इयर्स हो गए, तो लास्ट 5 इयर्स से मैं एज अ एक्टर काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह हम आते रहेंगे। बिल्कुल, आप लोग आते रहिए। थैंक यू सो मच। तो प्ले यहाँ पे ख़त्म हुआ, अभी हम जा रहे हैं अपनी बसों की तरफ, दोबारा बैठने लगे हैं। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, बहुत ही अच्छा प्ले था, तमाम एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोडक्शन, सब कुछ ज़बरदस्त थी। अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ।
अस्सलामुअलैकुम, बहुत अच्छा प्ले था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे डायनामिक्स थे प्ले के। और आप लोग सब्सक्राइब करें हंजला के यूट्यूब चैनल को, सही है, और ये बहुत फिर व्लॉग्स बनाते हैं। पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई बस जा रही है, पढ़ाई का नाम पूछ रहे हैं। ये लड़के मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं तो बताएगा कैसा रहा यार। दिस इज कॉल्ड रियल टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। सही, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छा। और इन लोगों को ना मौका नहीं मिलता आगे आने का, फिल्म एक्ट्रेस से बहुत ज्यादा बेहतर थे, इन लोगों को मौका नहीं दिया जाता। और दिस इज कॉल्ड रियल टैलेंट, इतनी दो घंटे मुसलसल उनका प्ले और इनके जो स्क्रिप्ट थे, बोलना एक एक लफ्ज नहीं बोला, दिस इज वेरी गुड, फैंटास्टिक। और मेहनत कितनी लगी होगी, बहुत ज्यादा। इस तरह उन्होंने कन्वे किया कि बहुत मजा आया। हमजा भी, इनसे भी पूछते हैं कि इनको कैसा लगा प्ले। जी हमजा, बहुत अच्छा था एंटीगोन का प्ले, माशाल्लाह। ये पूरी सीरीज है जो सफदीज ने लिखी हुई है। अच्छा, इस सीरीज का ये है कि इन्होंने प्रीक्वल नहीं बताया। अब बेसिकली हमने एंटीगोन की स्टोरी देखी, जिसके अंदर वो अपने भाई के और गॉड के उस पर फेवर्स लेने के लिए वो अपने मामू के खिलाफ होकर एंड में मर जाती है। और ये बहुत ही एक ना रॉयल्टी की स्टोरी है अपने दीन से और अपने भाई से। लेकिन इसकी पीछे स्टोरी नहीं बताई, जो इसका बाप होता है वो बेसिकली इसका भाई होता है। जो इसका बाप होता है वो अपनी सगी माँ के, मतलब अपने बाप को कत्ल करके अपनी सगी माँ से शादी करता है, और उससे जो बेटे होते हैं, औलाद होती है, वो ये एंटीज होती है। ये एक प्रीक्वल स्टोरी है जो यहाँ पे नहीं बताई, और मुझे लगा था ये वो वाला प्ले होगा, लेकिन इट देन अगेन। चलो फिर मैं वो देखूंगा और उसमें देखूंगी कैसे है उसकी क्या है। थैंक यू सो मच हमजा भाई, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है उरैस भी, इनसे भी पूछते हैं। उरैस भी बताएगा कैसा रहा आपका ये प्ले? बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा डेप्थ थी उसके अंदर। प्लस वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट इट वाज के उन्होंने बहुत सारे लूप एंड्स छोड़ दिए थे आप सोचने के लिए कि व्हाट वाज इट अबाउट, ठीक है ना। सो इट वाज काइंड ऑफ गुड, मतलब स्टोरी को जितना बढ़ाते जाएं वो बढ़ सकती थी। नहीं, स्टोरी मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी ड्रैग थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लूप एंड्स छोड़े हैं आपकी सोचने के लिए कि ऐसा हुआ क्यों एग्जैक्टली। सो इट वाज फन, थैंक यू। कैसे गुजरी आज की रात, कैसा था? मैं तो नहीं हूँ। आज हम आ गए थे, जैसे आपको पता होगा, प्ले देखने ना, बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बॉयज़ को भी ये मौका दिया कि मतलब प्ले देखे, बहुत इंजॉय किया। ओके अनस, आगे भी आप ऐसे इंजॉय करते रहे। आगे भी इंजॉय करते रहे, थैंक यू अनस। जी बदर भाई, कैसा रहा आपका सफर? अब हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ खाना खाने। सफर बहुत अच्छा रहा है। सफर में मतलब हम जाते वक्त तो ऐसे बैठ रहे हैं क्योंकि हमारे कपड़े वगैरह पसीने, डांस करते हैं ना तो पसीना आ जाता है कपड़े वगैरह पे, तो इस वजह से हम डांस नहीं कर पाए जाते टाइम। लेकिन आते टाइम हमने डांस किया है, एंटरटेनमेंट किया, बहुत मजा आया। आते टाइम का पता ही नहीं लगा, जाते टाइम हम बड़े बोर होके गए। और वहाँ पे भी मतलब कुछ सीन थे जहाँ पे बंदा बोर हो जाता था, आप लोग समझ सकते हैं। अगर प्ले में कुछ आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऑडियंस क्यों बोर होती थी, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा वक्त आता था जब मजा आता था। सही बात है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ इसी तरह से था कि थोड़ा बोर करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा पार्ट डालना होता है कि द प्ले वाज ब्यूटीफुल एंड बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, सही बात है। और पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी, क्योंकि अब हफ्ते बाद आपका प्री प्रॉफ होने वाला है, ये भी पता है? वो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर हम मतलब थोड़ा सा, जरूरी नहीं आप कीड़ों की तरह सारी किताब को चाट लें, लेकिन बस आपने एक दो मॉड्यूल सही से कर लेना है, प्री प्रॉफ पास हो जाएगा। फिर उसके बाद महीने की छुट्टियां हैं जी, तो इंशाल्लाह मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सही, तो सही, पढ़ाई इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होगी जी, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, ऐसी लाइफ में मजा आता है। अब हम चलते हैं हॉस्टल, खाना खाते हैं। हाँ, उसके बाद हमारा ये खूबसूरत दिन इख्तिताम बहुत लगी हुई है। अब साहब जा रहे हैं, इन्होंने लंच तो करके गए थे, डिनर नहीं दिया हमें। हाँ, तो अब तकरीबन एक बजने वाला है, तो डिनर अभी तक नहीं किया, तो साहब जरा भूख तो लगेगी ना। ओ सही बात है, ठीक है बदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।